हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग प्लांट्स की ड्राइंग बनाने वाले हैं और इसके पार्ट्स को भी मैं बताऊंगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। इसकी इसका स्टेम बना रही हूँ प्लांट्स का, जो मेन पार्ट जो होता है। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से पतला लिया है और नीचे में मोटा कर रही हूँ, ठीक है। नीचे से चौड़ा, ऊपर से पतला, नीचे से चौड़ा। अब इसका इसी तरह रूट बनाऊंगी मैं, यानी कि जड़। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचनी और नुकीली डंडिया टाइप की बनानी है, ठीक है। हम आगे इसी तरह बढ़ाएंगे, फिर नुकीले नुकीले पार्ट निकालेंगे। देखिए, इस तरह से हमने बढ़ाया, फिर नुकीले पार्ट निकाला, फिर इसे दो तीन भागों में बांट करके नुकीले पार्ट निकालेंगे, जिससे लगे कि ये रूट है, जड़ है प्लांट्स का। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, नुकीले पार्ट निकाल के निकालते हुए ऊपर से चौड़ा रखना है, और फिर जब अंदर की ओर लाएंगे तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने निकाला, फिर ये देखिए पतला हो गया। इसी तरह हम बनाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से इसका जड़ यानी रूट निकाल देंगे। ये हमारा चौड़ा रहेगा, फिर ऊपर पतला होता जाएगा, ओके। अब हम इसकी टहनियाँ निकालेंगे ऊपर से। देखिए, हमने इस तरह से नीचे से मोटी, ऊपर से पतली टहनियाँ करते जाएंगे, और ये लीफ निकालेंगे यानी पत्तियाँ निकालेंगे। इस तरह से पत्तियाँ निकाल लेनी है हमें। हमें इसके पार्ट्स को भी दिखाना है, मैं आगे दिखाऊंगी इसके सारे पार्ट्स जितने होते हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए है, तो बच्चों को भी जितना पढ़ना है मैं उतने पार्ट्स इसमें बताऊंगी। ये देखिए, इसमें भी मैं इसी तरह कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह हम सारी टहनियाँ, पत्ते, ये मैंने फ्रूट्स बना लिया है। इसी तरह हम सारी टहनियाँ और पत्ते निकाल लेंगे, फ्रूट्स भी लगा देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ भी मैं फ्रूट्स बना रही हूँ। ये मैंने फ्लावर्स बना दी, क्योंकि हमें प्लांट्स में फ्लावर्स भी दिखाना होता है, तो ये मैंने फ्लावर्स बना दिया। ये देखिए, हमारा प्लांट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो ये है ब्राउन कलर, क्योंकि टहनियाँ ब्राउन कलर की होती है, तो हम ब्राउन कलर से सारी टहनियाँ, इस प्लांट्स के स्टेम को कलर कर लेंगे। ध्यान से करना है, हमारा कलर बाहर ना जाए। आपके पास वैक्स कलर हो, स्केच पेन हो, तो आप उससे करें। मैं वाटर कलर से कर रही हूँ, और इसके रूट्स को भी मैं ब्राउन कलर से ही कलर करूंगी।
पत्तियों को ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे सारी पत्तियों को। और पत्तियों को कलर करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आगे की जो शेप्स होंगे पत्तियों के वे नुकीले होंगे आगे की ओर, ठीक है, वैसा ही कलर करेंगे हम। सारी पत्तियों को कलर करने के बाद वैसे कुछ पत्तियां रह गई हैं तो मैं फ्रूट्स को कलर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने फ्रूट्स के ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया है और बाद में फ्रूट्स को रेड कलर से भी कलर करूँगी। ये मैंने फ्लावर्स को कलर किया येलो से, आप कोई भी कलर से फ्लावर्स को कलर कर सकते हैं। मैंने येलो लिया है, ओके। तो मैं इस तरह से फ्लावर्स को, मैंने दो फ्लावर्स बनाए हैं तो दोनों को मैं येलो कलर से कलर कर दूंगी और फ्रूट्स जो है वो रेड कलर से कलर हो जाएंगे। ये हो गया और बीच में फ्लावर्स के बीच में मैं रेड कलर डालूंगी, ठीक है। ये देखिए रेड कलर से फ्रूट्स बन गए और फ्लावर्स के बीच में रेड कलर ऐड कर दूंगी। अब मैं पूरे में आउटलाइन दे दूंगी ब्लैक से। ये देखिए मैं पत्तियों में, टहनियों में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सब जगह आउटलाइन दे दूंगी ब्लैक कलर से। ये मैंने ब्लैक लिया है पेन, ब्लैक स्केच पेन है। और पत्तियों की जो अंदर से लाइनिंग होती है ना तो वो मैं ब्लैक कलर से डाल दूंगी। अंदर में जो पत्तियां उभरी हुई रहती हैं, लाइनिंग जो होती है, उसका इफ़ेक्ट मैं दे दूंगी ब्लैक से। चाहे तो आप अंदर की जो पत्तियों की जो लाइनिंग होती है उसे आप डार्क ग्रीन से भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, पर मैं यहाँ ब्लैक आउटलाइन का यूज़ कर रही थी तो ब्लैक ही मैंने डाल दिया है। अब हम प्लांट्स के पार्ट्स के नाम बताएंगे। तो ये है फ्रूट, तो हम लिखेंगे फ्रूट FRUIT, इसे इंडिकेट करके लाइन खींचेंगे और फ्रूट नेम लिखेंगे। फिर इसी तरह ये है रूट, तो हम लिखेंगे RROTS, रूट्स हो गए। ये है लीफ, तो LEAF, लीफ। और ये हो गया स्टेम, तो STEM, स्टेम। और ये हो गया फ्लावर, तो FLOWER, फ्लावर। तो इस तरह से 5 पार्ट्स हो गए, फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट्स, ठीक है, ये 5 पार्ट्स हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बच्चों को समझाइएगा और बच्चे भी समझेंगे, आई होप बच्चे भी समझेंगे। और नीचे मेरा सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है और बेल